देश में लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों पर हैं। हर सियासी पार्टियां और नेता अपने अपने सियासी जोड़ तोड़ में जुट गए हैं। ऐसे में देश के मतदाता ने क्या मूड बना रखा है, यह कहना अभी मुश्किल है। लेकिन अगर नेताओं की लोकप्रियता की बात करें तो पीएम मोदी की लोकप्रियता बरकरार दिखती है। वहीं विपक्ष की ओर से कोई नेता उनके मुकाबले में नहीं दिखता। पिछले दिनों हुए आम चुनाव में झटकों के बाद भी मोदी का जादू बरकरार दिखता है। हर कोई उन्हें सुनना और देखना पसंद करता है, चाहे वह मोदी समर्थक हो या फिर मोदी विरोधी। टीवी पर जब मोदी बोलते दिख जाते हैं तो मानो हर किसी के कदम थम से जाते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे। पिछले दिनों टेलीविजन दर्शकों की संख्या मापने वाली ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल की ओर से जो आंकड़े जुटाए गए, उस आधार पर यह दावा किया गया कि जब कभी प्रधानमंत्री मोदी टीवी पर आते हैं उस वक्त टीवी के दर्शकों की संख्या में जबरदस्त इजाफा दर्ज किया जाता है। यही नहीं, जब किसी खास इलाके में पीएम मोदी कोई कार्यक्रम करते हैं तो क्षेत्रीय समाचार चैनलों की दर्शक संख्या में भी इजाफा होता है। यह जादू उस वक्त भी होता है जब प्रधानमंत्री मोदी गैर हिंदी भाषी क्षेत्र यानी दक्षिण भारत में होते हैं। दूसरी तरफ अंग्रेजी समाचार चैनलों के दर्शकों पर भी यह बात लागू होती है। अंग्रेजी समाचार चैनलों के दर्शक भी उस वक्त बन जाते हैं जब पीएम मोदी बोल रहे होते हैं। ऐसा तब है जबकि प्रधानमंत्री मोदी ज्यादातर हिंदी में ही बोलते हैं। भारतीय घरों में टीवी पर ज्यादातर बच्चों के कार्टून चैनल या फिर महिलाओं के सास बहु धारावाहिकों का कब्जा होता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे होते हैं तो इस वक्त महिला दर्शकों की संख्या में भी इजाफा देखा गया है। कहने की जरूरत नहीं, बहुत बोलने वाले पीएम की शिकायत करने वालों को अपने विचार पर पुनर्विचार करने की जरूरत है, क्योंकि एक बड़ा वर्ग आज भी पीएम मोदी को सुनना और देखना पसंद कर रहा है। कुछ तो उस शख्स में है जो लोगों को अपनी बातों से बांध लेता है। चुनावी जनसभा हो या रोड शो, फेसबुक हो या फिर ट्विटर, हर जगह उनकी लोकप्रियता देखी जा सकती है। हैरान करने वाली बात यह है कि सरकार में 4.5 साल से ज्यादा वक्त गुजार देने के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं देती। पिछले दिनों हुए कुछ न्यूज चैनलों द्वारा कराए गए सर्वे में पीएम की लोकप्रियता कम होने और राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ने की बात कही गई, लेकिन ताजा रिपोर्ट इस सर्वे को खारिज करती दिखती हैं। वहीं साल 2017 में एक अमेरिकी थिंक टैंक के सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय राजनीति की सबसे लोकप्रिय हस्ती बताया गया था। इस वक्त तक मोदी सरकार के 3 साल होने को थे। अमेरिकी एजेंसी प्यू रिसर्च सेंटर ने इस सर्वेक्षण के जरिए यह भी दावा किया था कि पीएम मोदी की लोकप्रियता न केवल बरकरार है बल्कि उनकी लोकप्रियता में इजाफा भी हुआ है। सर्वे के मुताबिक हर 10 में से 9 भारतीय उन्हें पसंद करता है। हालांकि इस सर्वे को आए साल भर से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इन दिनों में लोगों की पसंद में कुछ खास तब्दीली आई होगी ऐसा कहना मुश्किल है। पीएम मोदी न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी खासे लोकप्रिय हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सोशल साइट्स पर भी उनका जादू चढ़कर बोलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित दुनिया के अन्य नेताओं से काफी आगे हैं। एक स्टडी के मुताबिक सोशल मीडिया साइट पर 4 करोड़ से ज्यादा लोग भारतीय प्रधानमंत्री को फॉलो करते हैं। वहीं ट्रंप लगभग 2.5 करोड़ फॉलोवर्स के साथ दूसरे नंबर पर है। हालांकि ट्रंप ट्विटर पर सबसे आगे हैं। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के नतीजे कुछ भी हों, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के आगे फिलहाल कोई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है उस पर जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।